क्लास टेंथ का रिजल्ट आउट हो गया है और अगर बात करें तो बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हर क्लास में जो है बच्चे के मन में एक डर होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो हमारे साथ इस समय एसपी स्मार्ट के बच्चे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? सुमित सिंह। कितने अगर बात करें ग्रेड्स आए? ग्रेड्स A1 ही आए। A1 आए हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अगर हम बात करें कि बच्चों का एक ये स्टेप होता है इसके बनने की गणना आती है, तो क्या सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? अभी सब्जेक्ट हमने मैंने चूज किए हैं नॉन मेडिकल के साथ कंप्यूटर साइंस, और अभी फ्यूचर प्लान्स की यही है कि JEE IIT क्रैक करेंगे फिर इंजीनियरिंग। तो मतलब सबसे ज्यादा मेहनत कैसे करनी पड़ी, क्योंकि जो पिछले 2 साल थे वो तो कोरोना में निकल गए, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना टफ रहा सारा सिचुएशन? मेहनत तो हमें करनी पड़ी, साथ साथ स्कूल भी हमें जो स्टाफ था वो हमें बहुत मेहनत कराते थे, जो कि हमें करनी पड़ती थी, और साथ में जो जो हमें पढ़ाते थे हमें उसको बोलते थे कि ये नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डालते थे, जिसकी वजह से हम पूरे वो कॉन्फिडेंटली हम पूरा अच्छी तरह कर पाते थे, बस यही। आप बताएंगे आपको कौन सी ग्रेड हासिल हुई? A1 ग्रेड। A1 ग्रेड हासिल हुई है, और जैसे इन्होंने कहा कि मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी, आपने कितनी मेहनत की और उसका कितना रिजल्ट सामने आया? ये तो गिव एंड टेक है, जितनी मेहनत होगी उतना ही रिजल्ट मिलेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा रिजल्ट, जितनी कम उतना कम। तो आपने क्या सोचा है फ्यूचर के लिए? मैंने सिविल सर्विसेज में देखा है और UPSC क्रैक करना है बस। आप बताएंगे सबसे पहले कि आपको क्या ग्रेड हासिल हुआ है, और अगर बात करें मेहनत की तो सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की? ग्रेड तो हमें A1 आए, मेहनत हमने ठीक ही की थी, सब्जेक्ट के लिए कोशिश की थी, अच्छे मार्क्स आए, चलो आगे, लेकिन भगवान की कृपा से नंबर, मतलब भगवान की कृपा ही आपकी मेहनत, अपनी मेहनत, घर वालों की दुआ, भगवान की वजह से और टीचरों की मेहनत की वजह से आगे तो अच्छे मार्क्स। आगे आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स है, जैसे कोई चाह रहा है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहा है, तो आपकी क्या प्लान्स है? मैं भी मैम IIT ज्वाइन करनी है या फिर JEE मेंस क्लियर करके बस। आप बताएंगे आपके चेहरे पर पहले ही काफी ज्यादा स्माइल देखने को मिल रही है, कौन सा ग्रेड हासिल? A1। A1 ग्रेड हासिल हुआ है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना टफ रहा? मेहनत तो बहुत की, पर टफ तो नहीं था, स्कूल में रेगुलर एग्जाम होते थे, ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही थी, मतलब प्लेटफॉर्म पूरा सेट था, जूम पे क्लासेस लग रही थी, तो टफ तो कुछ था ही नहीं। टफ तो कुछ भी नहीं था, पर बच्चे तो ऐसे हो जाते कि एग्जाम कैसे देंगे, कुछ कोई डर नहीं था? वो तो उनके लिए होगा जिन्होंने पढ़ा नहीं। आपने पढ़ा था, चलिए अच्छी बात है। आपके क्या प्लान्स आगे, आगे फ्यूचर में क्या सोचे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चलिए अच्छी बात है। आप बताएंगे आपको क्या ग्रेड हासिल हुआ? मुझे भी A1 ग्रेड हासिल हुआ। तो जिस तरीके से ये सारे बता रहे हैं कि हमने काफी मेहनत की, जिस तरीके से इन्होंने तो बोला भाई मैंने पढ़ा था तो मुझे कोई डर नहीं था, आप बताओ आपको डर था? डर थोड़ा था बट थोड़ा कम था। कम क्यों था? थोड़ा डर होना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए। मतलब स्कूल ने कितना मतलब सपोर्ट किया, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स तो कोविड में निकल गए, उसमें कितना सपोर्ट था स्कूल का? सारा सपोर्ट स्कूल का ही था, जो भी 2 साल हुए थे, इन जो पूरा 2 साल थे इसमें रेगुलर असाइनमेंट्स दी गई थी, और क्लासेस की वजह से सारा जो ये जो ग्रेड आए हैं ये स्कूल की वजह से ही आए हैं। आपने क्या सोचा आगे फ्यूचर को लेकर, क्या सोचा है, क्या प्लान? मैंने अभी इंजीनियर बनना है। और चलिए इनके साथ साथ जो है यहाँ पर SP स्मार्ट की लड़कियाँ भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। पारुल परिहार। पारुल, आपसे जानना चाहूँगी कौन सा ग्रेड हासिल हुआ है? A1। A1 ग्रेड हासिल हुआ है, यहाँ पर मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं हमें A1 जो है ग्रेड हासिल हुआ है, पर A1 ग्रेड ऐसे नहीं आता, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती, कितनी मेहनत? सब मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस टाइम टू टाइम पढ़ा है और बस अच्छी तरह से पढ़ा। मैंने एक ही चीज़ यहाँ पे ना हमेशा सुनी कि SP स्मार्ट के बच्चे जो है स्मार्ट वर्क करते हैं, पहले मुझे कहो ये स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क हम कंसेप्ट पूरे क्लियर करते हैं, टीचर अच्छी तरह से पढ़ते हैं बस, और वगैरह रट्टा नहीं वो नहीं करते स्मार्ट के बच्चे। नहीं है ये लर्निंग प्रोसेस। यस मैम। चलिए ठीक है, आप बताएंगे आपको कौन सा ग्रेड हासिल? A2। मेहनत तो उसके लिए भी करनी पड़ी, उसके लिए भी उतना ही डर होगा, तो कितनी मतलब कोशिश रही और कितना स्कूल का सपोर्ट? स्कूल का तो हमारी फुल सपोर्ट था, जैसे कि और जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, हमें स्कूल से टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड, हमारे टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह, तो हमारी दिन को क्लासेस होती तो हम कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लेते थे, तो शाम को हमारी सेल्फ स्टडी होती थी, तो इसी की वजह से।
आप बताओ आपको कौन सा ग्रेड हासिल हुआ? A1. A1 हासिल हुआ है और स्माइल बहुत अच्छी है आपकी. आप मुझे बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैंने तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे टीचर्स को जिन्होंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया, एंड ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स को कि जिन्होंने मुझे स्कूल में ऑप्ट किया. और मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, जब हमारी क्लासेस होती थी तो बहुत सारा हार्ड वर्क करते थे टीचर्स. ये स्मार्ट वर्क क्या यार, एसपी स्मार्ट वाले स्मार्ट वर्क ये है कि हमें कोई टेंशन नहीं दी जाती कोई भी काम करने के लिए, बहुत इजीली डाउट सेशंस होते हैं, अच्छी क्लासेस हमारी होती हैं, इसलिए हमें स्मार्ट वर्क कहते हैं. इसलिए हमें स्मार्ट वर्क वाले कहते हैं. चलिए ठीक है, आप बताओ आपको कौन सा ग्रेड हासिल हुआ? A1 ग्रेड हासिल हुआ है. आप तो इतने डर ही क्यों रही हो भाई, अब तो रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट आया, फिर इतना डर क्यों? डर नहीं है, खुशी है अंदर से. खुशी दिख नहीं रही चेहरे पे, थोड़ी बहुत दिख रही होगी पर अंदर से छुपी हुई. मुझे बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? टाइम टू टाइम पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस टाइम टू टाइम पढ़ते रहे, बस इस तरह टाइम टू टाइम पढ़ते रहे. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे क्या सोचा कि आगे क्या करना? नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है. आप बताएं आपको क्या ग्रेड हासिल हुआ? A1 ग्रेड हासिल हुआ. आप भी यार, आप भी कोई स्माइल नहीं कुछ नहीं, क्या है? स्माइल है, बहुत ज़्यादा खुशी भी है, पर बाहर नहीं आ रही. बाहर नहीं आ रही वो क्यों? ऐसे कोई अभी डर है कि अभी नहीं, अभी अभी पता चला है, क्लास में थे तो अचानक से पता चला है, तो इसलिए ऐसा है. चलिए अच्छी बात है, आगे आपने मतलब जिस तरीके से मैं सारे बच्चे दूर थे, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी, डर नहीं था, डाउट्स क्लियर थे, तो आपके साथ कैसा रहा? क्योंकि सेम हमारी इधर हमारी क्लास में किसी को भी ज़्यादा ऊपर नहीं माना था, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, सबके डाउट अच्छे से क्लियर किया जाते थे. हमारी डाउट क्लास भी थी तो जिसकी वजह से सबके डाउट्स बहुत अच्छे क्लियर थे और सबके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं. चलिए ठीक है, तो ये SP स्मार्ट्स की गर्ल है, मैं चाहूँगी आप लोग भी आ जाओ नीचे और आप भी बताओ कि कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही हो. आप स्माइल बहुत अच्छी कर रही हो, आप मुझे बताओ कौन सी ग्रेड आया? A1 ग्रेड आया है. A1 ग्रेड आया है और कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. तो अब आगे क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं? मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है एंड मुझे नेक्स्ट नीट के एग्ज़ाम देना है क्योंकि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. मतलब अब ये पता चल गया है कि मतलब जैसे हमने देखा कि स्मार्ट वर्क तो आप लोग कर रही हो, बट इस स्मार्ट वर्क के साथ साथ मेहनत कितनी करते हो? मेहनत भी उतनी लगती है जितनी स्मार्ट वर्क लगती है. यूजली पीपल हार्ड वर्क करते हैं, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके ब्रेन भी शार्प होगा एंड आप बहुत अच्छे से हर एक फील्ड में अपने आप को डाल पाएंगे. आप बताओ आपको कौन सा ग्रेड? A1 हासिल हुआ है. और जैसे मैंने इनसे पूछा कि स्मार्ट वर्क तो आप लोग करते हो पर उसके साथ मेहनत कितनी करनी पड़ती है? मेहनत तो करनी पड़ती है, रोज़ सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है और टीचर्स जो भी बताते हैं हमें वही फॉलो करना पड़ता है. तो अब कितनी खुशी हो रही है सबसे पहले ये बताओ? खुशी तो बहुत है. घर में पता चल गया मम्मा पापा को, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन कैसा? उन्होंने इतने एक्सपेक्ट किए थे और उतने ही आगे. चलिए ठीक है, आप बताओ आपको कौन सा ग्रेड? A1 ग्रेड मिला है मुझे. A1 ग्रेड मिला है. मोस्टली मतलब जितने बच्चे सुने भाई, क्या रीज़न है कि सारी जितने भी ग्रेड A1 वाली है वो SP स्मार्ट तो नहीं लेके आ गए? क्योंकि इसमें स्मार्ट वर्क लगता है साथ में, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पूरे साल की मेहनत है. चलिए ठीक है, आप बताओ. निधि 98% ग्रेड A1 आया है. तो मतलब जैसे मैं पूछ रही हूँ क्या चक्कर है, सारे जितनी A1 ग्रेड्स हैं वो सारी SP स्मार्ट में तो नहीं आ गए? हो सकता है बिकॉज हमारे स्कूल वाले एफर्ट्स इतने डालते हैं कि आना तो डिजर्विंग करता भी है. अब आपने क्या सोचा है, मतलब डिजर्व जो करते थे वो मिल गया, आगे क्या सोचा? आगे आई हैव आल्सो ऑप्टेड फॉर मेडिकल प्लस मैथ्स, तो मेरा भी सेम ही रहेगा नीट. चलिए ठीक है, आप बताइए कौन सा ग्रेड हासिल हुआ? A1 ग्रेड हासिल हुआ है. और जैसे SP स्मार्ट स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करता है, दोनों प्रोपोर्शनली होने चाहिए क्योंकि स्मार्ट वर्क होगा सिर्फ तो हार्ड वर्क भी काम आता है, हार्ड वर्क की सिर्फ होगा तो स्मार्ट वर्क जरूरी है साथ में. अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है, कैसे करना है? ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ऑप्ट किया जी, तो सिविल सर्विसेज है. चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू. तो ये साफ तौर पर इस समय की जो तस्वीरें हैं ये SP स्मार्ट स्कूल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो दिख रही है. स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो पेरेंट्स भी हैं. और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाई है. SP स्मार्ट स्कूल एक बार फिर जो है एक्सेल करता हुआ नज़र आ रहा है. क्लास 10th का रिजल्ट आउट हो गया है. हम ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि हर साल है बच्चे इसी तरीके से मेहनत करें, इसी तरीके से उनकी मेहनत रंग लाए और जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स के साथ जो है इसमें उत्तीर्ण किया है उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. तो बने रहें दी आर्ट्स न्यूज़ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए.